प्रदेश के मुख्य सचिव ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजना के प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, सीडीओ अनुज सिंह, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, जीडीए सचिव राम सिंह गौतम, डीपीआरओ शशांक शेखर सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सचिव ने शासन द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, वृक्षारोपण, पॉलिथीन पर लगने वाले प्रतिबंध पर की गई कार्रवाई सहित विभिन्न योजनाओं के प्रगति पर क्रमवार समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि कार्यों में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो फिगर लेटेस्ट है वो 378,000 में 1.7 लाख 1,69,000 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उपलब्ध करा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ है सब, बिश्नौर में 11,000 है, गोरखपुर में अभी भी 10,000 है, कुशीनगर में 7,000 है। ये टारगेट्स आपके पास है पहले से जो भेजे गए थे उसमें। तो पहला टारगेट तो हम लोग का ये है कि इसमें जितने लोग मिलते हैं, आप में से कई लोगों ने बताया था कि पात्र नहीं है इसमें या और भी कई चीजें बताई थी, तो जो भी दिक्कत आ रही है मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीपीआर तैयार करने के लिए लगभग 3,700 पर हाउस होल्ड, जिसमें जियो टैगिंग सर्वे वगैरह इंक्लूडेड रहता है, और 6,600 पर हाउस होल्ड के रेट से जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट ग्रुप में एजेंसीज काम कर रही हैं उनके लिए अनुमान ले रहे हैं। और ये डीएम्स के ऊपर छोड़ रही है, आप इनमें से जिसको चाहें उनको सेलेक्ट करके और वर्क अवार्ड कर सकते हैं। और ये रेट है यूनिट रेट इस पे आपको करना है। अभी एजेंसी ने अलग अलग रेट दे रखे हैं, हम उनसे कंसेंट ले रहे हैं कि एक कॉमन डिनोमिनेटर पे जो कंसेंट देगा वो काम करेगा। बट हम इस चीज़ को पेमेंट करने के लिए जो पैसा है अभी यहाँ से होता है, ग्रामीण प्रमुख सचिव साहब जो कॉर्डिनेट कर रहे हैं सर्वेक्षण का काम, उसमें भी अर्बन एरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो एलिजिबल लोग हैं उनको सर्वे किया जा रहा है। तो 1-2 वो स्टेट में टारगेट हो गए, बट 10 लाख का जो हमारे 75 जिलों के बीच में 19 तक करके पीपीआर बना के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव कराने के बाद में पूर्ण दिशा में काम करता हूँ। ये था प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। और इस पे किसी डीएम साहब को कोई कमेंट करना हो कोई बात ठीक है जी सर, एफआईआर दर्ज करा के जो जिसने ये गलत काम किया है उसे जेल में।